हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएसबी भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल की तरफ से बड़े स्तर पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहे, आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड इसी के साथ में फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्टेट का नाम और अपना नाम जरूर लिखना है ताकि आपके स्टेट की वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहां पर न्यूज एंड हाइलाइट्स के ऑप्शन पर भी आपको जो है ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसमें दोस्तों वैकेंसीज रखी गई है। वहीं दोस्तों आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर भी आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं। सो यहां पर आप चेक कर सकते हैं, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स महानिदेशालय सशस्त्र सीमा बल की तरफ से वैकेंसीज हैं जिनके लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। यहां पर आप चेक कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, यहां पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ SI ASI हेड कॉन्स्टेबल GD कॉन्स्टेबल और ड्राइवर, इनके पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई है, कितने पदों पर ये वैकेंसीज है, पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीमा बल रिक्रूटमेंट 2022 के इंफॉर्मेशन के बारे में, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अपडेट के बारे में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं पोस्ट नेम के बारे में, तो SI ASI हेड कॉन्स्टेबल GD और कॉन्स्टेबल और ड्राइवर के पदों पर ये वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी 20,325 रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात कर लो तो दोस्तों, अगर आप यहां पर 10वीं 12वीं पास हैं तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही में ग्रेजुएट कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल रखी गई है। अगर आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 साल है तो आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाएगी, मतलब कि वो 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं OBC को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूटें दी जाएगी, मतलब कि OBC वाले कैंडिडेट 23 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी SSBRECTT.gov.in पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इस भर्ती से संबंधित और इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं बात कर लूं तो यहां पर आप दोस्तों टोटल जो है वैकेंसी चेक कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर पद, मतलब कि SI पोस्ट के लिए 1,098 पद रखे गए हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के 1,393 वैकेंसी है। हेड कॉन्स्टेबल GD के पद के लिए 2,962 पद रखे गए हैं। एंड कॉन्स्टेबल पद के लिए यहां पर 4,929 वैकेंसी रखी गई है, 4,929 पदों पर वैकेंसी है। और ड्राइवर के 1,172 पद रखे गए हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ड्राइवर पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास में जो है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। इसी के साथ मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो। एंड हेड कॉन्स्टेबल GD पद के लिए 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्स्टेबल पद के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर पद के लिए भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। एंड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। 10वीं 12वीं पास या फिर इंटरमीडिएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करता हूं दोस्तों एज लिमिट के बारे में, तो आपकी जो है 32 साल से ज्यादा एज यहां पर नहीं होनी चाहिए। ऑल जो भी आपकी छूट है उन सभी को मिला करके सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू के आधार पर रहेगा। दोस्तों ये पांच स्टेज रहेंगे जिनके आधार पर आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। इन सभी स्टेज के माध्यम से आपका जो है यहां पर सिलेक्शन रहने वाला है। रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और इंटरव्यू आपका कंडक्ट करवाया जाएगा।
बात कर लेता हूं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। तो सब इंस्पेक्टर पद के लिए आपकी 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए 20 से 25 साल एज लिमिट आपकी होनी चाहिए, हेड कॉन्स्टेबल पद के लिए 18 से 25 साल एंड कॉन्स्टेबल पद के लिए 18 से 25 साल आपकी एज होना जरूरी है। वहीं दोस्तों ड्राइवर पद के लिए आपकी 18 से 27 साल एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी 18 से 27 साल के बीच में एज है तो। एंड एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार जो छूट दी जाती है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसी के साथ में सैलरी की अगर मैं बात कर लूँ तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। सब इंस्पेक्टर पद के लिए 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये आपको सैलरी मिलेगी एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। हेड कॉन्स्टेबल पद के लिए 25,500 से 81,100 रुपये एंड कॉन्स्टेबल पद के लिए 21,700 रुपये से 69,100 रुपये आपको यहाँ पर मंथ पे स्केल मिलेगा। वहीं ड्राइवर पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 21,700 रुपये से 69,100 रुपये आपको पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन है। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।